बाल कथा जब जामवंत से जामवंत से जामवंत से ज्ञान चक्षु तब हनुमंत के हनुमंत के हनुमंत के सभी शक्ति जो दी थी उस अनंत ने तन में जागी हो गए बल धाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तब पवन पुत्र महावीर बने महावीर बने महावीर बने अब राम भक्त रणधीर बने रणधीर बने रणधीर बने सेवक थे जो अब्बल वीर बने उड़ लंका और कहकर श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम है अंजनी लाल की महिमा अपार महिमा अपार है महिमा अपार संकट मोचन तारण हार तारण हार है तारण हार दुख के नाशक करुणा उतानत मस्तक करे तुमको प्रणाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय 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 जय सिया राम श्री राम नाम का जय घोष करके जब पवन पुत्र लंका की ओर द्रुत वेग से उड़ चले तो देवताओं ने उनकी बुद्धि की परीक्षा हेतु सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा सागर के बीच महाविशालाकार होकर स्थित हो गई और हनुमान जी को खाने को थाई। पवन पुत्र ने प्रार्थना की कि हे मां, मैं अपने स्वामी का कार्य करके जब वापस लौटूं तब मुझे खा लेना, किंतु सुरसा नहीं मानी। बार बार कहने पर जब सुरसा नहीं मानी तो महावीर को भी क्रोध आ गया। कहने लगे राह छोड़ दे मात धीरज धर कर हृदय में सुन ले मेरी बात हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा कह दिया यही इच्छा है तो
जो करना है झट पच कर ले, ऐसी ही हट है हे माता तो मुख ही में मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हसे तनिक हनुमंत, दो योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होर सी कुछ वह चार हुई ये आठ हुए, वह पंद्रह तो ये तीस हुए, वह तीस हुई ये साठ हुए। आयोजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया से महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बनाए अपना उसकी जीवा पर जा बैठे, चंद्र उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया प्रयाण, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल ये ही किया पवन सुत से तो वध को वो लाचार हुए,
पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरिचढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहां राक्षसों के सहित रहता था दशभाल। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान, मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई किचकिचा उठी, मैं तुझको खा ही जाऊंगी ये कह खांडा खड़खड़ा उठी। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा, तुझसी चुड़ैलियां हनता हूँ ये भी है एक काम मेरा। यह कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक। ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को तब ये भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे। हे महावीर हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखट के अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकिनी इधर बढ़े बलधाम। लंकिनी को परास्त करने के पश्चात अति सूक्ष्म रूप धारण करके पावन पुत्र लंका नगरी में भगवती सीता की खोज करने लगे। रात्रि के 3 प्रहर व्यतीत हो गए, किंतु माता सीता के दर्शन प्राप्त ना हो सके। ब्रह्मा मुहूर्त के प्रारंभ में ही हनुमान जी भक्तराज विभीषण के घर के सन्मुख पहुंच गए।
दानवों की नगरी में। इस प्रकार का घर जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा लगा हुआ हो, हनुमान जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो छद्म रूप में ब्राह्मण बनकर वो विभीषण से मिले, किंतु जब एक दूसरे की भावना को जान गए तो अपना रूप छिपा न सके। जब दोनों भक्त मिले तो सत्संग का प्रवाह चल निकला। उन्हीं से माता सीता के प्रति जानकर श्री हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। चारों ओर भयानक राक्षसियां और बीच में एक अशोक के पेड़ के नीचे कृशकाय भगवती सीता विराजमान थी। हनुमान जी उसी पेड़ के पत्तों में छिपकर बैठ गए। तभी पहुंचे अशोक वन में जब ये, तो देश विचित्र उपस्थित था। कहने को वो अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। अब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। कि ऐसी शीर काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। रघुबर में लीन प्राण इनके, रघुबर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से ये वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा ये कहता है। घबरा जाए माता न कहीं ये संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सन्मुख आया है। बड़भागी है यह राम दूत, माँ का दर्शन तो पाया है।
पत्ते खड़के उसे क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दशमात, मंदोदरी आदिक कई सुंदरियां हैं साथ। दशकंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगे हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वो शिव धनवा तोरा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। तक पर्दा है आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों से बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिसके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा।
दिन का ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिकारेगा तिनका तिनका। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड़ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित ये है नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वो हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, ये खंग और वो सर होगा। प्राप्त हो गई है, चुपचाप उनकी हो जा, नहीं तो वो हाल करूंगी कि त्राही त्राही कर उठेगी। ना जाने करमजली की बुद्धि कहाँ चली गई है, त्रिलोक विजयी महाबली दशानन रावण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तुम्हें। अरे और क्या चाहिए जन्मजली? मेरा तो जी चाहता है इसे कच्चा ही चबा जाऊं, इसका कोमल मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। ठहरो, कर्कशा, वज्रदंत और विकराला, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो कहो त्रिजटा। मैं अपनी सौगंध उठाकर कहती हूँ कि मैंने जो भयानक स्वप्न देखा वही तुम्हें बताती हूँ। कहो कहो। हे करुण हृदय त्रिजटा, तुम सचमुच मेरी धर्म की माता हो, किंतु अब हम जीने में रखा ही क्या है, ना जाने मेरे हृदयेश्वर राघव कहाँ होंगे, कभी मेरी स्थिति को जान भी पाएंगे कि नहीं। ओ मेरे विधाता। कैसी बात करती हो देवी सीता, विश्वास करो जो स्वप्न मैंने राक्षसियों को सुनाया वो अति शीघ्र यथार्थ में परिवर्तित होने वाला है। कितनी बार समझाओगे माता, मैं जानती हूँ अब दुख वेदना पर प्रताड़ना ही मेरी नियति है। नहीं नहीं देवी, मेरा विश्वास करो, अति शीघ्र सुहाने दिवस फिर आएंगे। राघव के बिना कभी कुछ सुहाना नहीं हो सकता, बिना उन श्री चरणों की सेवा के अब जीवन संभव नहीं। देवी सीता निराश मत हो, किस बूते पर कोई आशा जागी, अब तो बस एक
यही प्रार्थना है माँ, मेरे घर तो कब्जा नहीं जाता, इसलिए मैं चिता बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी अग्नि ला दो माँ। नहीं नहीं देवी सीता, तुम्हें मेरी सौगंध माँ, आज दूर दूर तक अशोक वाटिका में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। ये स्वर्णिम अवसर में हाथ से नहीं जाने दूंगी, ना मत करना, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ माँ, थोड़ी सी अग्नि ला दो। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री। चिता बन गई। सूर्य उदय होने में थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है। माता दृष्टा अब तक क्यों नहीं आई? हे विधाता, ये तेरी कैसी कठोरता, पति चरणों से दूर विरह ज्वाल में दतकते मन को क्या मृत्यु भी नहीं मिल पाएगी? हे देव, इतनी कृपा तो कर इस दुखियारी पर। अशोक के पत्तो, क्या तुम्हें सीता की दशा पर दया नहीं आती? थोड़ी सी बस एक चिंगारी अग्नि की दे दो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत्य की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुंदरियों मानो चमकीला तारा है, सीता जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी, वो हीरा था जिसमें जड़ा हुआ श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। मुंदरी विवाह वाली ही है इसलिए लगाई आंखों से, केवट के देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं
व्यापक होकर भी आंखों से क्यों ही तुम छिपते फिरते हो, पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बानराकार। अब कहा इन्होंने हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से नेह। तुल अवस्था को ये मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण त्रिशिरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने कह जय सीता कांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। कहा नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने को क्यों भेजा है, माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है।
जितने दुख आप सह रही हैं उसे दूने वे सहते हैं, जो धान रहे बेपानी के इस भांति दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हे माप बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बैन। राक्षस है कज्जल गिर समान, काले काले मत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। क्यों कर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। जना गगन में गूंज उठी योजन भर के बलवीर हुए, संग्राम भयंकर विकटानन भूधराकार रणधीर हुए। फहरा उठी बल की पताक, बहरा उठी शंका सारी, हहरा उठी राक्षस सेना, हहरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कर जोर कहा मन की श्रद्धा, अब होठों पर आ पहुंची है, जिस जन के आगे प्रभु न छुपे माता कैसे छुप सकती है। हे
शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं। जब हम पर कृपा दृष्टि है तो भिड़ सकते महाकाल से हैं। डाला ये कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माने हाथों हाथ। कृपा दृष्टि से अब लोका बोली देती हूँ, शक्ति तुझे दी बुद्धि तुझे दी युक्ति तुझे दी मुक्ति तुझे दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारे भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमंत प्यारा भी होगा। कितने ही क्षण मौन रहे फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। देख बुद्धि बल धाम सुत बोली माँ तत्काल, रघुराई को धर हृदय जाओ मेरे लाल। शीश नवा कर मात को पद रज ले कर मात, अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली आँखें वो डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हाँ
हर्षित हो किलकार मार तरु तरु पर धाने लगे बलि मीठे मीठे फल छाट छाट जी भर भर खाने लगे बलि फल खाकर तरु उखाड़ते थे सागर में उन्हें बहाते थे माली गण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे रखवाले बजरंग की बार बार खामार पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार उसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुमार इस बार किया ऐसा गर्जन कापा पत्ता पत्ता बन का मारा उखाड़ कर वृक्ष एक मुंह फेर दिया खल नंदन का झट तरु से कूद पकड़ गर्दन झटका दे घोष किया जय का छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा क्षय का चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए वह महाप्रलय दिखलाई दी कुछ बचे खुचे फिर भाग चले जाकर इस भांति दुहाई दी रावण ने यह टेर जब सुनी तीसरी बार अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार इंद्रजीत अब जाओ तुम वानर है बलवंत बध मत करना बांध कर लाना यहां तुरंत मैं मेघनाद कहलाता हूँ वैरी को सदा हराया है जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद इंद्रजीत का पाया है पर तो भयभीत न हो मन में बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझ क्यों ले जाऊंगा हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज इंद्र जालिए खेल ले इंद्र जाल सब आज बिगड़ उठा यह बात सुन
लंकाधीश कुमार ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है ये धर्म का बल का अब क्या काम। ये ब्रह्म अस्त्र ये ब्रह्म फांस ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, मैं से काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश दिन रचते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें, अदेव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दस शीश। कहाँ से आया है कुछ अपनी बात बता बन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू कितना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से जरा नहीं।